हफ्ते और इतवार को कारोबार की इजाजत सिर्फ ईद तक है। अदालती उज्मा का हुक्म, वफाकी और सूबाई हुकूमतों से पेशरफ रिपोर्ट्स मांग ली। कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तेदाम मुस्तरद। सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान फराहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोनाल रेस्टोरेंट का तोसीही हिस्सा गिराने का हुक्म दे दिया। मोनाल रेस्टोरेंट की जानिब से दरख्त काटे गए, सीडीए फौरी तौर पर नए दरख्त लगाना यकीनी बनाए। गैर कानूनी भर्ती रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी और अरशद मिर्जा की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख की मचल के जमा कराने का हुक्म, नैब हुकाम की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। चेयरमैन नैब ने 3 इन्वेस्टिगेशन और 3 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। साबिक वफाकी वज़ीर हाउसिंग एंड वर्क्स अकरम खान दुरानी और वजारत खारजा के अफसरान के खिलाफ रेफरेंस दायर किए जाएंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो वाकयात में 7 फौजी जवान शहीद। मुल्क दुश्मनों ने FC की गाड़ी को IT डिवाइस से निशाना बनाया। वाकयात मच और केच में पेश आए। मोदी के मुसलमानों के खिलाफ लगाई आग भारत के कोने कोने में भड़कने लगी है। हिंदुत्व के प्रचारियों ने मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए वायरस में भी वजह तलाश कर ली। ये बड़ा एक ज़बरदस्त है, इसमें एक गरीब आदमी को जो भी हज़्ब तौफीक उसको है कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और हम आम आदमी आवाम से भी यही अपील करते हैं कि वो इसके अंदर हिस्सा लें। अच्छा काम किया है कि उन्होंने जो है सफ़ेद पोश लोगों के लिए ये टोकरी रखी है, एक नेक अमल किया है और उन लोगों के लिए किया है कि जिनके पास अपनी गुंजाइश नहीं थी। इससे गरीब तबका को फ़ायदा पहुँच रहा है, अल्लाह ताला इनकी कावश को कबूल फरमाए। और नेकी की टोकरी सच टीवी की काविश, मुस्तहिक अफराद की खामोशी से मदद करें। दुनिया और आखिरत कमाने के लिए नेकी की टोकरी में हिस्सा जरूर डालें।